सब्सक्राइब कर दें, आप करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इतने वीलॉग के साथ मैं हूँ कंजा, बहुत दिनों बाद, बहुत ज़्यादा दिनों बाद, और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंजा का आशियाना। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अब ठीक ठाक हैं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, घर का काम, और अब साथ साथ जो है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरी कज़न की शादी भी है, तो उसकी तैयारियों में लाइक कपड़े, टेलर, बाज़ार, पता नहीं क्या क्या, तो बस उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और साथ ही साथ बीमार बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो बस ये अभी एक दो दिन हुए हैं कि मतलब चीज़ें जो है ना बैक टू रूटीन आना शुरू हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। और इसी मीन टाइम में ना, तकरीबन एक हफ्ते के मीन टाइम में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब वीलॉग्स नहीं आ रहे हैं, स्लो हो गए हैं, क्यों नहीं आ रहे। तो फिर मैंने सोचा कि यार हाँ, वाकई बहुत ज़्यादा मैंने गैप देना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह, मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि नहीं, मैं ना दोबारा लगातार वीलॉग्स अपने लगाऊँगी, लेकिन तबीयत की वजह मैं नहीं कर सकी। तो बस अब जो है ना, आज से मैंने पूरी इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि मेरे वीक में जैसे पहले वीलॉग्स आते थे, अब से वैसे ही आया करेंगे। तो बस आज की सारी सिचुएशन ये थी कि मैंने सुबह पापा के साथ काम पे जाना था, काम किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन पापा ने कहा चलो मैं खुद चला जाऊँगा, तो वो मेरा ज़रा टाइम बच गया, फिर घर का सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई। अभी फिर मैंने जाना था बाज़ार, कल एक्चुअली टेलर के गए थे, तो मेरी कुछ मैचिंग की चीज़ें रह गई थी, वो भी नहीं जा सके, वो मामा पापा ने मेरे मामा वगैरह के साथ जाना था, इस वजह से अब कल पे चला गया। अब आना है फैज़ ने 7 बजे, तो हम लोगों ने उनके कपड़े स्टिच करने देने जाना है। तो ये सारी सिचुएशन आजकल चल रही है, और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ही मेरे कज़न की शादी भी है, और बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से सब कुछ करते। तो बस अब आप लोगों को मेरी व्लॉग्स के लिए जो जो पूछ रहे थे, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं रेगुलर बेसिस पे दूंगी, आगे शादी वाले बहुत सारे व्लॉग अच्छे अच्छे आने वाले हैं, और घर का भी मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह ताला, मेरी पूरी कोशिश है कि जो 2-4 काम हमारे ना, काफ़ी सारे काम जो है ना, छोटे मोटे काम वो रह गए थे तबीयतों और कामों की वजह, लेकिन वो मैं एक या एक आध दिन में कंप्लीट करके नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मेरा वही होगा, ठीक है। तो चलें आज के व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करते हैं, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्योंकि इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो ये लोग था, ये भी बहुत ज़्यादा बेचारे बीमार थे, और ये देखिए परफ्यूम खाली है, लेकिन बस ये देखिए क्या कर रहा है, परफ्यूम स्प्रे कर रहा है अपनी तरफ से, देख रहे हैं इसको, ये देखें चेयर यहाँ रखी हुई है, ये काम कर रहा है। साथ लिपि साहब देख रहे हैं, है ना तो, और जी दूसरे वाले जो हैं उसको ज़रा थोड़ी सी ना कीड़े शीड़े ने ना इस तरीके से काटा हुआ, आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो अपने बच्चों का बहुत एहतियात करें। और ये बहुत ऊंचा चीज़ देखता है, और ये देखा है कि देखें हाथ पे भी काटा हुआ, और ये रहा। तो गाइस, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बैक टू रूटीन में आने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये सही बात है, जब आप इतनी ज़्यादा स्पेस के बाद चीज़ें दोबारा से कंटिन्यू करते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। जहूक साहब खड़े हैं, ये देखें, हेलो कर दो, हेलो। सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं, और ये मैं इनके जो है चिप्स फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मताब साहब कहते हैं चिकन, तो मैंने सोचा चलो चिकन भी थोड़ा सा इसको बना देती हूँ। बाकी वो अचार गोश्त है, वो बना के फ्रीज़ किया हुआ था, कि जैसे आना जाना होगा तो मुश्किल होगी बाज़ार वगैरह, तो ये मम्मा ने भी निकाले, देखो पलखा होती है अचार गोश्त, मतलब चिप्स फ्राई करके और वो फ्राई करके, और बस फिर फैज का वेट करना है। मैं उसको बस डेगचे में डालूंगी, थोड़ा हल्की आंच पे रखूंगी, ताकि ये भी हो जाए, ये सारे काम हैं। और ये भाई मताब साहब को कहीं से ग्लासेस मिल गई थी, और वो सबको पहना पहना के जो था ना वो देख रहा था, और फैज़ बाहर से आए थे ऑफिस से, उनको शदीद किस्म की ठंड लग रही थी, और वैसे भी फैज़ को इंतहा की ठंड लगती है, खेस कहीं का बस नहीं चल रहा है वो तक ओढ़ के लेट जाए। और ये मताब साहब जो है ना बस ये खुश हो रहे हैं ग्लासेस, और जहूक साहब भी। तो भाई हम लोग तैयार हो गए, और आज जैसे कि बाहर बहुत ठंड है, ये फैज़ इतने दिनों बाद व्लॉग मैं बना रही हूँ, हेलो कर रहे हैं, हेलो। और बस अब हम लोग निकलने लगे हैं, 6-7 बजे का टाइम हो रहा है, और टेलर की तरफ। इन लोगों के कपड़े तैयार हैं, ये देखें, ये बच्चे भी तैयार हैं,
और देखिए मैंने उनको गर्म कपड़े पहना दिए, मतलब आप साहब जो है वो पहन नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने शूज़ यही पहने, मैंने कहा पहन लो भाई बस अब निकलेंगे ताकि जल्दी आएँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे टाइम पड़ता है ठंड होती रहती है, तो चलें भी जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस हुआ कुछ यूँ, बाज़ार में हम गए और फिर हम तीन चार टेलर्स के ख्वार हुए, फिर फाइनली कपड़े देकर आने लगे तो बच्चों ने ख्वार करना शुरू कर दिया। तो बस ये अब रात का टाइम था, बच्चे सो चुके थे, सबसे पहले मैंने सालन वगैरह रखा, फिर मेरा दिल किया कॉफ़ी पीऊँ, जो कि मैं चार पाँच जगहों से ढूँढ के, जो थ्री हिन वाली इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं होती नेस्ले की, वो ढूँढ के लाई थी, किसी के पास थी नहीं, फिर फाइनली यूरो पे जाकर हम लोगों को मिली। तो बस ये मैं वही बना रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसमें दूध भी डालो और उसमें भी मतलब ऐड होते तो बड़ी क्रीमी सी बनती है। तो बस ये किया, इसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 बजे के बाद जो है ना पाकिस्तान में गैस आती नहीं है। बाकी मैंने सोचा दूध बचा हुआ है तो बस मैं इसको फ्रिज में रखूँ, रात का टाइम था इसीलिए आज की लाइट बंद थी और ये मैंने रख दिया। तो बस फिर यही सारी सिचुएशन थी और बहुत सारे बिजी डेज जा रहे हैं, शादी की वजह ना दिन का पता ही नहीं चलता कि और कब रात हो जाती है वो भी पता नहीं चलता। और बस फिर जिस मतलब बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन थी आज, तो बहुत ही ज़्यादा काम थे, तो बस फिर मैंने एडविल खाई, इससे खा के फिर नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है, मैंने सोचा खा ही लो। और बस फिर कॉफ़ी वगैरह जो थी वो मेरी बन गई थी, पापा मम्मा को मैंने पहले बना के देती थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये जी हो गया अगला दिन, अगली सुबह ये मेरे साथ मताब साहब जो हैं बैठे हुए हैं, आजकल घर में कोई नहीं होता इसलिए जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ इनको भी साथ लेकर जाना ही पड़ता है। क्योंकि पता है क्या, अभी हम लोगों ने बाज़ार जाना था, उसके बाद मैंने टेलर की तरफ जाना था, टेलर की तरफ से आके मैंने फैज़ के साथ जाना था, एक ही दिन में मेरे तीन चार चक्कर बाहर बाहर के थे। तो बस अभी जो थे हम लोग निकले थे बाज़ार की तरफ और धूप देखें कितनी शदीद हुई और रश भी उतना ही ज़्यादा था, क्योंकि स्कूल में छुट्टी वगैरह का टाइम था। तो फाइनली जो था ये अब हम लोग बाज़ार आ गए थे, पापा बच्चों के साथ गाड़ी में ही थे और मैं और मम्मा जो थे ना वो अब जा रहे थे लेसेस और इन वाली शॉप पर। तो मम्मा ने कहा क्यों ना पहले जो हम लोगों ने लाइनिंग्स वगैरह लेनी है वो ले लें, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग लेसेस का काम करते हैं। एक्चुअली में ना मैं बारात वाला जो ड्रेस है ना उसके नीचे कुछ डिफरेंट सी लाइनिंग लगाना चाह रही थी और आजकल चल भी कुछ इस टाइप की रही थी, तो बस मुझे था कि शायद ये ओरिका से ही मिले और हम लोग लेते भी इन्हीं से ही हैं मैचिंग, लेकिन मुझे था कि शायद इनके पास ना ही हो, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर इधर उधर ख्वार हुए हुए हम लोगों को लाइनिंग मिल गई थी, मैचिंग भी मैं साथ आई थी, साथ मुझे इसका भी मतलब नीचे की लाइनिंग का कपड़ा चाहिए था। तो खैर ये भी मैंने कटिंग करवा लिया और ये भी हो गया और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले काम जो थे ना हमारे जल्दी हो गए, मुझे लग रहा था डाई करवाना पड़ेगा लेकिन शुक्र है। फिर इसके बाद हम आए लेसिस वाली दुकान पे, एक्चुअली रौनक की जो था ड्रेस उसके पीछे का हम लोगों ने ये जो नहीं होती डोरी वाले लटकन टाइप वो लेने थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या लें क्या ना लें, खैर फिर फाइनली मैच हो गया कि ये ले लेते हैं अच्छा लगता है, तो खैर ये ले लिया। फिर मैंने बटन्स वगैरह देखने थे, लेसिस देखनी थी, मैं वो सब देखना शुरू की, एक फारिग हो गई थी और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी हूँ, तो बस मैं वही देख रही थी, दोनों अच्छी थी, इनके पास लेसिस बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी ना लेसेस जैसे हम तो इतना यूज़ ही ना करते, लोग यूज़ करते हैं इतनी ज़्यादा लेसेस ना, तो बहुत बहुत अच्छी इनके पास ना वैरायटी में थी। तो बस अब ले लिया है और ये मैं हूँ और अब चलते हैं घर। ये देखें ज़रा इस बच्चे को देखें, वो मम्मा पापा वहाँ सब्जियाँ ले रहे हैं और इसको देखें ये कहाँ चढ़ा गया, और मामा मुझे कह रही थी इसको ये आदत ना ही डालो और इसको मैं कह रही थी कि नीचे आ जाओ, इसने मुझे भी डांट पिटवा दी थी। तो गाइस ये था मेरा पिछले दो दिन का वीलॉग और दो दिन की रूटीन, आजकल सारी रूटीन सारा जो है ना मतलब सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है कि उठो तो बस जल्दी जल्दी काम करो फिर आगे जाना होता है। आज भी मैंने बल्कि फैसले भी पूछा कि कब तक आना है, बच्चों की एक दो चीज़ें रह गई हैं वो लेकर आनी है, बाकी कल का अलग से प्लान है, फैज़ वगैरह को कपड़ों वगैरह डिसाइड करने हैं। और ये देखिए ये बच्चे मेरे ना ऐसे ही फिरे रहते हैं, बस ये सारी सिचुएशंस आजकल हमारी चल रही हैं, लेकिन ये भी मज़ा होता है, शादी की शॉपिंग का एक अलग ही मज़ा होता है और एकदम शादी आती है और चली भी जाती है, मतलब हो भी जाती है खैर से, बस अल्लाह तआला खैर का वक्त लाए, यूँ दिन गुजर रहे हैं। बाकी बस हम लोगों का सारा रौनक का भी कंप्लीट हो गया स्टिचिंग पे काम, अब कुछ नहीं है उसका, मम्मा का भी कुछ भी नहीं है, कंप्लीट हो गया, मेरे गए हैं जो कि अगले 8-10 दिनों में आ जाएंगे, मेरे सबसे एंड पे गए क्योंकि मेरे हाय बस मत पूछे बड़े लेट पहुँचे थे, और बच्चों के पास शर्ट्स रह गई हैं हाँ और शूज़ रह गए, बच्चों का भी हो गया, फैज़ का एक टाइम का एक मतलब
का उसका हो गया फंक्शन का, दो के रह गए हैं, वो इकट्ठे ही जाकर वो एक ही दिन में आ जाएंगे। बस इस तरीके से बाकी शूज़ जूते वगैरह तो आपको पता है एंड पर ही होता है जो होता है। तो बस उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और इंशाल्लाह अब से ऐसा नहीं है कि 8-8 10 दिन बाद मेरे व्लॉग्स आएंगे, इंशाल्लाह आप अगला व्लॉग भी मतलब इस व्लॉग के दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें, आगे शादी वाले व्लॉग्स भी शुरू होने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है तो ज़रूर देखिएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे और मेरे बच्चों का दुआ में याद रखें और जल्दी जल्दी शेयर करें, शॉर्ट्स देखें, टिकटॉक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो फिर मताब अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ हमारी खुलती पूरा है, सब्सक्राइब कर दें, अब करना पड़ेगा, मताब ने कह दिया। चलें फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।